Namaskar, very good afternoon. It's a historical day for us. I'm Professor Dhananjay Joshi. मैं वाइस चांसलर हूँ दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी में और आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है. महात्मा हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय के लिए कि एक आपसी साझेदारी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आज दोनों संस्थाओं ने आपस में हस्ताक्षर किए हैं. मैं इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ प्रोफेसर रमा का जो कि प्राचार्य हैं हंसराज कॉलेज की और साथ में उनकी पूरी टीम की जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम यहाँ हंसराज महाविद्यालय आए और दोनों ही संस्थाओं के बीच में एकेडमिक कोलैबोरेशन और शिक्षा में विमर्श और आपसी डायलॉग का एक बहुत बड़ा आज हमने समझौता किया है. इस समझौते से निसंदेह दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत लाभ होगा. जहां दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय एक नवजात विश्वविद्यालय अभी 2022 में जिसका जन्म हुआ है, दूसरी ओर 75 वर्ष आज़ादी से के समान जिस कॉलेज का जो इतिहास रहा आज़ादी से पहले का, उस संस्था के द्वारा हम लोगों का जुड़ना हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है. और इसके द्वारा हम बहुत सारी FDP, बहुत सारे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और साथ में बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम और बहुत तरीके की टीचिंग एक्टिविटीज़ MOOCs का निर्माण जो कि नई शिक्षा नीति का आधार वाक्य है, एक्सचेंजिंग द आइडियाज़. तो एक्सचेंज द आइडिया जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है कि किस तरीके से हम अध्यापकों को एम्पावर करें, क्योंकि आज मुझे जो लगता है देश में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो शिक्षकों को पूरी तरीके से उनका एम्पावरमेंट, उनको जो है उनका उन्मुखीकरण और कहीं ना कहीं उनको जो है इस योग्य बनाना है कि वो शिक्षण को अपना पैशन समझे. जब से देश आज़ाद हुआ IITs बने, IIMs बने, एम्स बने, लेकिन शिक्षण विश्वविद्यालय और शिक्षक विश्वविद्यालय की परिकल्पना जो कि 1964 के आयोग ने, कोठारी आयोग ने ही कहा था कि डेस्टिनी ऑफ ए नेशन लाइज इन इट्स क्लासरूम, कि किसी भी देश का भविष्य वहाँ की कक्षा में पैदा होता और संवरता है. और 86 की नीति ने कहा नो नेशन कैन राइज अबव द लेवल ऑफ इट्स टीचर्स. और उसी तरीके से नई शिक्षा नीति कहती है कि देश के लिए अगर हम एक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अध्यापक को विकसित होना पड़ेगा. तो जब इस देश में कालांतर में ही हम विश्व गुरु रहे और अब हम विकसित भारत का सपना 2047 का देख रहे हैं भारत की सरकार, तो उसमें मुझे लगता है ऐसे समझौते, ऐसी आपस की साझेदारियां बहुत महत्वपूर्ण होंगी. हम शिक्षकों के अंदर वो गौरव का भाव जगाएं, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी समस्या ये आ गई कि एक अध्यापक के प्रोफेशन में जो बेस्ट ब्रेन होने चाहिए वो नहीं आ रहे, वो ड्रेन हो रहे हैं. तो कैसे हम बेस्ट ब्रेन को ड्रेन होने से बचाएं, कैसे उन्हें कैच देम यंग, उनको हम इस प्रोफेशन में लाएं और कैसे जो है देश के लिए हम एक अच्छे शिक्षकों का निर्माण करें. जहाँ चाणक्य जैसे एक शिक्षक ने पूरे साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, वहाँ आज अगर हम अच्छे शिक्षकों को नहीं रोक पाएंगे और अगर हम इस परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और इस प्रोफेशन में अच्छे टीचर्स को नहीं लेके आएंगे और जो आए हैं उनके अंदर वो पेडागॉजी का और वो उनके अंदर मैथडोलॉजी की परिकल्पना नहीं करेंगे और उनके अंदर वो विश्वास नहीं डालेंगे, वो आत्मविकास नहीं करेंगे, आत्मविश्वास पैदा नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम एक देश के रूप में हमारा बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है इस 21वीं शताब्दी में कि हम टीचर्स को एम्पावर करें, उनको कहीं ना कहीं देश के जो जरूरतों के साथ जोड़ें. और उसके लिए जो कार्य हंसराज महाविद्यालय 75 वर्ष से कर रहा है वो बहुत ही काबिले तारीफ है. इसके लिए प्राचार्य प्रोफेसर रमा जी का, उनकी टीम का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय को मंच दिया और हमारे विद्यार्थी और अध्यापक यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे. आपकी लाइब्रेरी, आपकी डिजिटल क्लासरूम्स, आपके मल्टीपर्पज हॉल बहुत ही उन्नत है और एक नए विश्वविद्यालय को जब अपने अग्रज महाविद्यालय का सपोर्ट मिलता है तो वो भी कहीं ना कहीं आगे चलता है. तो हम आपके बहुत आभारी और हमें पूरी उम्मीद है कि भविष्य में साझेदारी बहुत आगे तक जाएगी. आज उसका बीजारोपण हुआ है. मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मंच दिया और साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति जी का भी, प्रोफेसर योगेश सिंह जी का, जिन्होंने मार्गदर्शन किया कि हंसराज महाविद्यालय से आप जुड़ें, क्योंकि आपका जो टीचिंग डिपार्टमेंट है वो देश का प्रतिष्ठित विभाग है. इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार, जय हिंद.